कांगड़ा चाय को उसका अपने पुराने अस्तित्व लौटाने और चाय उद्योग को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास प्रदेश सरकार करेगी। पहले की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान कायम करने के लिए चाय उत्पादकों को हर संभव सुविधाएं तथा सहायता प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बात कृषि जनजातीय विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडे ने चाय भवन कालूदीहट्टी में चाय बागवानों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय स्वाद में दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय से अधिक स्वादिष्ट है, परंतु तकनीकी की कमी तथा कांगड़ा चाय की सही मार्केटिंग न होने के कारण उत्पादों को उनके उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय की मार्केटिंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि बागवानों का इस उद्योग की ओर अधिक प्रेरित कर उनके उत्पाद के अच्छे दाम दिलाए जा सके। मारकंडा ने कहा कि चीन की एक एनजीओ 155 टन कांगड़ा चाय खरीदने की इच्छुक है, इसके लिए शिमला में वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि इस एनजीओ से एमओयू में शर्त करने से पूर्व चाय उत्पादकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एनजीओ से एमओयू होने से जहां चाय की मार्केटिंग की समस्या हल होगी, वहीं उत्पादन के अच्छे दाम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से करवाए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश में लगभग 2311 हेक्टेयर भूमि चाय क्षेत्र के अधीन है, जिसमें से 1097 हेक्टेयर पर अच्छा उत्पादन किया जा रहा है तथा 828 हेक्टेयर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 5900 चाय उत्पादकों के साथ श्रमिकों के हित सीधे रूप से जुड़े हैं तथा इस उद्योग के उत्थान से प्रदेश के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि चाय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है, परंतु इससे पहले विद्वान बागवानों के उत्थान तथा विकास पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 1998 में तैयार चाय का उत्पादन 17 लाख किलोग्राम था, परंतु जलवायु परिवर्तन तथा मौसम के अनुकूल न होने एवं कुछ अन्य दिक्कतों के कारण इसके उत्पादन में कमी आई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि चाय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि कांगड़ा चाय की अपनी पुरानी पहचान कायम रह सके। उन्होंने कहा कि चाय उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखकर तथा इन उद्योगों को लाभप्रद बनाने के लिए वह अपने स्तर पर विशेष प्रयास करेंगे। चाय बागवानों ने कृषि मंत्री से उन्हें आ रही समस्याओं से अवगत करवाया, जिससे कृषि मंत्री ने विस्तार पूर्वक सुना तथा उनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह चाय उत्पादकों की समस्याओं को अपने स्तर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे तथा सभी के संयुक्त प्रयासों से इस उद्योग को उभारने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाय उत्पादक अपनी समस्याएं एवं सुझाव के साथ कभी भी उनसे मिल सकते हैं। इस अवसर पर पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने कृषि मंत्री को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया व अपने विचार व्यक्त किए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की सदस्य बीना श्रीवास्तव ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर आर के कौंडल ने अपने स्वागत भाषण में चाय बागवानों के उत्थान के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। इससे पूर्व कांगड़ा वैली स्मॉल टी प्लांटेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कांगड़ा चाय उद्योग के लिए आ रही दिक्कतों तथा इसके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने का कृषि मंत्री से आग्रह किया ताकि चाय बागवानों का इस ओर अधिक रुझान बढ़ सके व चाय कांगड़ा की अपनी पुरानी पहचान कायम रख सकें और इससे लोगों को लाभ हो। इस अवसर पर पूर्व विधायक दुलोराम जीएल बुटेल, चाय बागवान व विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हम कोई भी चीज तैयार करते हैं उसके लिए मार्केट होना जरूरी है। मार्केटिंग, हम कोई चीज उत्पादन तैयार करते हैं, कोई चीज हम तैयार घर में तैयार करते हैं, उसके लिए मार्केट कहाँ है, उसको कहाँ बेचेंगे हम? सबसे बड़ी जरूरत उस चीज की है। हम किसानों को तो कह देंगे कि आप चाय तैयार करो, हमारी योजना में है। हमने कहा जोगिंदर नगर तक हम चाय लगाना चाहते हैं, जोगिंदर नगर तक सब चाय बागवान तैयार किए जाए। मैं पिछले मीटिंग में आया था, डॉक्टर कंवर साहब यहां बैठे हैं, इनको मैं कह के चले गया था कि भाई हम चाहते हैं कि चाय आपके जोगिंदर नगर तक चाय लगानी चाहिए। और जी मुझे उसके उस बीच में 3 महीने के अंतराल में मुझे पूरे मार्केट की ओर ध्यान रख देना पड़ा। हम लोगों को प्रोत्साहन तो करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मैं कहूंगा कि हम चाय तो लगाएं, उसके लिए मार्केट कहां है?
जब तो मार्केट नहीं होगा, एश्योर मार्केट नहीं होगा, हम कैसे किसानों को इसमें खेल सकते हैं? क्या हम चाय के बागवान लगाए, दुदुराम जी यहां है, अशीष होटेल जी यहां पर, दोनों का नाम दे, दोनों बड़े, अशीष होटेल तो किंग है इसमें, दुदुराम होटेल बागवान दुदुराम जी भी है। मैं कल बात कर रहा था, मैं कहा मतलब मैं भी तो अगर आप उस दिन आए होते, किसी विधायक को कहा होता, मुझे कहा होता, मुख्यमंत्री महोदय को मैं कहता। आज हम बात करेंगे, भले ही बजट हमने चार बजट में हमने चर्चा नहीं की, सरकार पांच साल के लिए वो जरूरी होता कि बजट में ना आपका चाय के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जरूर बात करना चाहता हूं और उससे पहले आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूं। मैं भाई दुलराम से कल ही बात कर रहा था, मेरे पास शिमला में चाइना का एक एनजीओ पहुंचा है। जब मैं दिल्ली के चाइना का एक एनजीओ दिल्ली मुझे मिला, वो आपको चाय खरीदना चाहते हैं, आपसे एमओयू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत नहीं है, 155 टन चाय का डिमांड है, पर है एनजीओ, उनसे मैं बात करना चाहता हूं, टर्म्स एंड कंडीशन में बात करना चाहता हूं।